जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत द्वारका जिले में स्थित भारत के चार धामों में एक द्वारका धाम यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारकापुरी भले ही आज समुद्र की गहराइयों में डूब चुकी हो, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में आज भी उनके प्रति बेहद प्रेम है। तभी तो दुनिया के कोने कोने से हिंदू धर्म के लोग अरब सागर के तट पर बने द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या चाहे फिर बरसात का मौसम हो, यहाँ हर ऋतु में एक समान भक्तों की भीड़ देखी जाती है। यह हिंदू के प्रमुख चार धामों में एक धाम है तथा सात पुरी में एक, इसीलिए ग्रंथों में इसे दो द्वारका बताया गया है। पहला गोमती घाट द्वारका, जहाँ द्वारकाधीश मंदिर है जो यहाँ का प्रमुख मंदिर माना जाता है। दूसरा पेट द्वारका जो द्वारिकापुरी है, यहाँ तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग से जाना होता है, जिसकी दूरी द्वारिकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर है। अगर आप भी इस पवित्र धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं द्वारिका धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारिका जंक्शन है। वहीं अगर आप बाय फ्लाइट द्वारिका पहुंचना चाहते हैं तो इसका नजदीकी हवाई अड्डा पोरबंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी लगभग 104 किलोमीटर है। इसके अलावा आप बसों के माध्यम से या निजी वाहनों के माध्यम से भी द्वारिका शहर पहुंच सकते हैं। अब जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास व पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका नगरी का इतिहास श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी उनकी मृत्यु के बाद दैवी प्रकोप के कारण पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में डूब गई। बाद में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण उसी समुद्र के तट पर वज्रनाभ ने आज से 2500 वर्ष पहले करवाया था। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने यहीं से 36 वर्ष तक अपना राज्यपाट किया और यहीं रहे, जहां से संपूर्ण धरती की जीवन रेखा की नींव जुड़ी हुई थी। अब जानते हैं द्वारिका किन किन लोगों को घूमने आना चाहिए। अगर आप भारत के चार धामों में से एक धाम की यात्रा करना चाहते हैं और समुद्र के किनारे वक्त बिताना चाहते हैं तो यहां पर जरूर आए। अब जानते हैं द्वारका नगरी में रुकने तथा भोजन की क्या व्यवस्था है। द्वारकाधीश मंदिर परिसर के आसपास कई सारे छोटे बड़े होटल तथा धर्मशालाएं बने हुए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर ठहर सकते हैं। वहीं भोजन की बात करें तो यहां कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहां आपको काफी स्वादिष्ट गुजराती खाना मिल जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना नहीं चाहते तो वहीं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने प्रसादालय में आप 20 रुपए में भरपेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों द्वारका धाम के पर्यटक स्थलों के बारे में। द्वारिका यात्रा में आप सबसे पहले द्वारिकाधीश मंदिर रुकमणी मंदिर में दर्शन करने जाए। इसके बाद आप बेट द्वारका पुरी की तरफ बढ़े। यह स्थान द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहां तक आप बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंचकर इसके आगे का सफर ओखा जेटी से समुद्र जहाज में बैठकर 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। यहां पहुंचकर आप सोने की द्वारका पावन धाम और श्री कृष्ण के 5000 साल पुराने मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप द्वारिका में द्वारिका समुद्री बीच, गोपी तालाब, सुदामा सेतु, पंचनंद तीर्थ, गीता मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, लाइट हाउस, गोमती घाट के साथ साथ बेट द्वारका के रास्ते पर 20 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। अब अंत में जानते हैं कि द्वारका यात्रा के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करें, यहां घूमने आने का बेस्ट समय और प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, द्वारका नगरी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत ही पवित्र जगह है, इसीलिए भक्त दर्शन के लिए पूरे साल यहां आते रहते हैं। लेकिन यहां आने का बेस्ट समय सर्दियों में नवंबर से मार्च माह के बीच का माना जाता है। इस यात्रा के लिए आप 2 दिनों का टूर प्लान करें, जिसमें खर्चा लगभग प्रति व्यक्ति 3000 रुपए तक का आ सकता है। इस खर्चे में आप जिस भी शहर से आ रहे हैं, द्वारका आने जाने तक का खर्चा
भी जरूर जोड़े। अगर आप और भी कम खर्चे में घूमना चाहते हैं तो दो व्यक्ति या ग्रुप में यात्रा करें। तो दोस्तों ये थी द्वारका यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।